राजनीति में जो दिखता है वैसा होता नहीं, कई बार नाम में हाथ छिपा होता है। नीतीश बाबू इशारों इशारों में बहुत कुछ कह रहे हैं, जिनके इशारों को समझने की कोशिश की हमारे संवाददाता सुजीत झा ने, जिन्होंने नई सरकार के सत्ता में आने के बाद नीतीश कुमार का किया है पहला इंटरव्यू। कुमार जी, ये जो सरकार बनी है महागठबंधन की, वो एनडीए से किस प्रकार भिन्न होगी? ये तो बिल्कुल भिन्न होगी। आप तो जान रहे हैं कि यहाँ पर जितने दल है और उसमें से सात एक साथ हो गए और बहुत अच्छे ढंग से काम होगा, पहले से बेहतर काम होगा, खूब खूब बढ़िया ढंग से काम होगा। ये बेरोजगारी और हम तो सब दिन काम करते रहे हैं, लेकिन बीच में थोड़ा सा इधर से उधर कई तरह की ऐसी चीजें, लेकिन अब जो है ना, सब दिन हम लोग आप जानते ही हैं काम करते रहे हैं। बीच में कुछ स्लो हुआ था मामला। अरे अब अलग अलग आप जानते ही हैं, जो चीज भी कुछ किया जाता था थोड़ा सा अपने ढंग से, कोई अपने ढंग से, तो वो सब तो है ही। आप अच्छी तरह जानते हैं कि भाई चुनाव लड़े और बात है, हम लोगों का लोग सपोर्ट किया उनका और उनका टोटल हम लोगों के खिलाफ, तो हम लोगों का तो जो सीटवा कम गया तो एक एक आदमी ना शुरू से बोल रहा है हम लोगों के दल का। वो लोग कह रहे आप लोग धोखा दे दिए। हाँ, हम क्यों क्या दिया है धोखा, जरा हमारे पार्टी के सब लोगों से पूछ लीजिए, ये सब बात नहीं। हम तो बर्दाश्त किए रहे, हम तो नहीं बनना चाहते थे, हम तो पहले कह दिया थे कि ना हमको जरूरत नहीं मुख्यमंत्री बनने का। एक सवाल ये भी, अपना उन लोगों की बात मान करके इतना दिन जो कर लिए, लेकिन धीरे धीरे स्थिति ऐसी आ गई कि अब अपने यहाँ के सब लोग कह रहे थे कि भाई ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, तो अंत में हमको निर्णय लेना पड़ा मंत्रिमंडल का। और आप तो इतना जान लीजिए, मंत्रिमंडल को बहुत जल्दी बनेगा, 15 अगस्त 2016 जल्दी से जल्दी, हम तो कह दिए जितना जल्दी हो सके, लेकिन हम कह चुके हैं कि अरे कम से कम 15 के तुरंत बाद तो जरूर हो जाना। एक सवाल लोग पूछ रहा है कि जिस मुद्दे पर आपने महागठबंधन छोड़ा था, वो मुद्दा तो आज भी बरकरार है, ईडी सीबीआई सब तो चल ही रहा है, तो उससे हमको क्या मतलब, वो क्या करता है, इस सब से कोई लेना देना नहीं, कौन क्या करता है। असली चीज है, आप जान रहे हैं जो अलायंस है आपस का, अब एक दूसरे के साथ मिल करके काम करने का है, और पहले तो हम उन लोगों के साथ थे, आपको मालूम है ना भाई कि जो आरजेडी और कांग्रेस आज छोड़ करके हम लोग इन लोगों के साथ आ गए, लेकिन उसके बाद जो भी अनुभव और जो कुछ भी हुआ वो तो धीरे धीरे ऐसा कुछ नहीं किया गया, तो हम लोग फिर वापिस अपना जगह पर चले गए। ये जो कहा जा रहा है कि आप जो है जिस तरह से बीजेपी की केंद्र सरकार जो कार्रवाई करती है, ईडी सीबीआई लगा देती है, आपको डर नहीं लगता? हमारा काला है सब का फालतू चीज, ये तो जानते ही है, वो तो खुद सोचना चाहिए कि जनता में क्या चीज का एक एक चीज जो करिएगा, आज संविधान बना हुआ है, नियम बना हुआ है, कानून बना हुआ है, एक एक चीज है, और कौन क्या करते रहते हैं अपना वो करते रहे एक्सप्लेन, आज जो होता है वो भी करता रहेगा, ये सब चीज की हमको कोई है नहीं, आप देख ले लीजिए। अरे भाई 24 को आने दीजिए तब ना देखिए, 24 में बनेंगे उम्मीदवार प्रधान। अरे हम काला बनेंगे उम्मीदवार, हम उम्मीदवार नहीं। एक कारण कोई बताइएगा कि जिससे लगा हो कि इसको छोड़ देना चाहिए एनडीए? हाँ, तो बात हुई, हमारे दल के अंदर एकदम लोगों की इच्छा, और पहले से भी जब चुनाव हुआ था तब भी लोगों ने बताया था, जीतने वाले ने कहा कि हमको कोई सपोर्ट नहीं किया, और हारने वाला तो सब कहा कि बीजेपी वाला हारा है, तो एक एक बात था हम लोगों के, हम बातें दूसरा है, हम किए रहते थे। अब बाद में धीरे धीरे देखे कि भाई अपने दल को सुरक्षित रखना है ना जी, सबकी इच्छा है तो उसको देखते हुए ना करेंगे। आरसीपी सिंह कितना बड़ा कारण था? बहुत गड़बड़ किया किसी का भी, जिसको सबसे अधिक दिया, आप सोचिए ना 2020 के दिसंबर में अपनी जगह हम बना दिए, और उसके बाद ही जो रूप आने लगा सब कुछ का, सबका आने लगा, और तब जाकर के तो हमने कह दिया छोड़ दीजिए 6 महीना के अंदर, जब केंद्र में मंत्री बने तो हमने कहा छोड़ दीजिए,